अदिति चौहान जी। मैम आपका पार्सल। भैया नहीं चाहिए प्लीज। मैम अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने जहाँ से ऑर्डर किया है वहाँ से आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वापस हो जाएगा, पर यहाँ तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दीजिए। मैम हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा? भाई आप कहीं और पी लो पानी प्लीज। मैम बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है लाती हूँ। डीजे भैया देख क्या रहे हैं? मैम आपको कोई दिक्कत है? मतलब आप किसी परेशानी में हैं? भैया पानी पीकर ग्लास दीजिए आप। मैम छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, पर अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। भैया आप पानी पीजिए, ज्यादा समाज से भी मत बनिए। मैम दुख बांटने से कम होता है। अच्छा, और आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैम अगर आप दुखी नहीं हैं तो फिर वो फंदा क्यों लगा रखा है? मैम मैंने सुना है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। मैम बड़े से बड़ा दुख कम हो जाता है अगर आपके पास कोई सुनने वाला हो। मैम प्लीज मैम रोइए मत। मैम देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है, पर अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊं। नहीं कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन तो ढूंढने से मिलता है ना, आप एक बार मुझे बताइए ना, शायद मैं कोई जीने का ऑप्शन ढूंढ पाऊं आपके लिए। क्यों बताऊं तुम्हें, क्या कर लोगे तुम? मैंने बोला ना मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। मैम आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई हल निकाल पाऊं, और अगर कोई हल नहीं निकला तो आप तो वैसे भी सुसाइड करने जा रहे थे, तो जाने से पहले अपना दुख मुझे बताते जाइए प्लीज। प्लीज मैम इसके चक्कर में फंस चुकी हूं। मतलब मैं कुछ साल पहले एक कोर्स के लिए मैंने लोन लिया था, फिर उसके कुछ वक्त के बाद एक और लोन, और ये लोन का सिलसिला यूं ही चलता गया। इस महंगाई के जमाने में पैसे की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है, मुझे भी थी। मैंने प्राइवेट कंपनीज से भी लोन लिए ज्यादा ब्याज पर, और अब मैं उन्हें चुका नहीं पा रही हूं। क्यों मैम आपके पास जॉब तो होगी ना? जॉब थी, पर मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी ने मुझे ये कहकर टर्मिनेट कर दिया कि फाइनेंशियल लॉस के कारण वो मुझे और मुझ जैसे कुछ एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे सकते। तो मैम आप किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने अप्लाई करने का ट्राई नहीं करा होगा? जॉब नहीं खोजी होगी? बहुत की थी, पर इस रिसेशन के जमाने में जॉब मिलना कितना मुश्किल है ये तुम जैसे डिलीवरी बॉय को क्या पता। आई एम सॉरी मैम, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जॉब जाने के बाद मेरे से चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं, बैंक से रोज कॉल्स आते हैं ईएमआईज भरने के लिए, और प्राइवेट कंपनी वाले फोन कर कर के धमकियां दे रहे हैं। मैं इस लोन के जंजाल में फंसती चली जा रही हूँ, और अब मेरे पास
सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन क्यों नहीं है, आप ये बात अपने घर में बता सकती हैं, अपने पापा को बता सकती हैं। नहीं मैं ये बात अपने पापा को नहीं बता सकती। क्यों मैम? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर पहले से घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगूं? मुझे पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, उन्होंने ना जाने रिश्तेदारों से कितने ताने सुने होंगे। और अब जब मैं उन्हें ये जाकर बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैम पैसे आपको अपने पापा से मांगने हैं या लोगों से? पापा से लेने। तो फिर मैम लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। पर मैं किस मुंह से जाके अपने पापा को ये बोलूं, किस मुंह से मांगू पैसे उनसे, जिस उम्र में मुझे उनका बोझ उतारना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं उन पे ही बोझ बनूं। मैम एक बात बताएंगे, बचपन में आपके सबसे फेवरेट चीज क्या थी? बचपन में मुझे साइकिल का बहुत शौक था। तो मैम आपको साइकिल किस एज में मिली थी? यही कोई 8 साल की होंगी मैं। तो साइकिल तुरंत मिल गई थी आपको? नहीं पापा तो मान ही नहीं रहते, बोल रहे थे गिर जाएगी, चोट लगा लेगी। तो फिर कैसे साइकिल मिली? बहुत जिद की थी मैंने, बहुत खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो मैम साइकिल के लिए जो जिद किया आपने, तो शर्म आई होगी आपको? तो मुझे क्यों शर्म आएगी, पापा है वो मेरे, उनसे जिद नहीं करूंगी तो किससे जिद करूंगी। तो मैम जब बचपन में साइकिल के लिए जिद करने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मैम अभी आपने कहा कि आपके पापा आपके शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, पर आप तो यहां सुसाइड कर रही हो, तो वो उन पैसों का क्या करेंगे? या उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी ने शादी का बोझ हल्का कर दिया उनके सिर पर से। मैम आपको मालूम है हमारे जनरेशन की दिक्कत यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही अपनी बात छुपाने लगते हैं, कभी ये कहकर कि पापा मम्मी नहीं समझेंगे, या कभी ये कहकर कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, या कभी ये कहकर कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती है। एक बार आप अपनी दिक्कत अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिएगा ना, तो आपको जीवन में फिर कभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे जैसे किसी अनजान से अपनी बात शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मैम एक बार शेयर करके देखिए, उनसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लीज मैम एक बार ट्राई कीजिए। प्लीज मैम पापा। हाँ दीदी बोल, कैसी है बेटा? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना बेटा। पापा मैं क्या हुआ बेटा? पापा मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ तो मुझे बता ना किस लिए परेशान है। अदिति बेटा रो क्यों रही है, बता ना क्या बात है। पापा वो मैंने बैंक से लोन ले रखा था ना। देख बेटा जो हो गया सो हो गया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना,
बाप जिंदा है। मैं काम करता हूँ, मैं कल ही तेरे पास आता हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। पापा आप प्लीज आ जाइए। देखा मैं, आपके पापा आपके एक फोन पर यहाँ आने को तैयार हो गए, और आप इतने दिनों से अकेले सफर कर रहे थे। मैम, मम्मी पापा से बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार उन्हें दोस्त बना करके तो देखिए। आप सही कह रहे हैं भैया, मम्मी पापा से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू। इट्स ओके मैम, ये लीजिए ग्लास। वंस अगेन भैया, थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैम, बाय। मैम जी, मेरे पास आपके लिए कुछ है, यहीं रुकिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैम। जी भैया। मैम ये आपके लिए। भगवत गीता। जी मैम। मैम 2020 का साल मेरे लिए बहुत बुरा था। कोरोना में मेरी जॉब चली गई, पहले के कुछ महीने जो थे वो तो सेविंग्स से निकल गए, लेकिन उसके बाद के कुछ महीने बहुत ज़्यादा टफ था। मेरे ऊपर भी आपके इतने बहुत सारे EMIs थे जो मैं पे नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था और सुसाइड करने की सोचने लगा था, और एक दिन तो सुसाइड करने निकल भी गया था, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ लिया। पहले तो बहुत डांटा, फिर उसके बाद सीने से लगा करके कहा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। उन्होंने ही मेरे सारे बिल्स पे किए, और उसके बाद ये भगवत गीता दिया मुझे और बोला बेटा जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, किसी चीज का हल ना मिले तो ये पढ़ लेना, इसमें जीवन की सारी परेशानियों का हल तुझे मिल जाएगा। और मैम वो दिन है और आज का दिन है, आज जिस कंपनी से मैं आपको डिलीवरी करने के लिए आया हूँ वो मेरी ही कंपनी है। आपकी अपनी कंपनी है? जी मैम, कोरोना के बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था जॉब जाने के बाद, क्योंकि जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो अगर आपकी कंपनी है तो फिर ये डिलीवरीज आप क्यों कर रहे हैं? मैम मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद करना, और शुरुआत तो मैंने अकेले से ही किया था ना, आज भी जब मन करता है तो निकल जाता हूँ डिलीवरी करने के लिए, और देखिए आज तो निकलना मेरा सफल रहा, आपसे मुलाकात हो गई, और जो सीख मुझे भगवत गीता से मिली वो मुझे आपको देने का मौका मिला। मैम वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने की, पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि जो समय है ना ये कभी एक सा नहीं रहता, आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा, आज अंधकार है तो कल सवेरा जरूर आएगा, इसलिए कभी भी अच्छे समय में इतराना नहीं चाहिए और बुरे समय में विचलित नहीं होना चाहिए, समय है कट जाएगा। मैम इस एक थॉट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैम तो अब आप पढ़िए इसको, देखिए शायद आपको कुछ और मिल जाए, पर मैम जो भी मिले उसे लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।